तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 30 ग्राम है, सॉल्वेंट हमें यहाँ पे गिवन है 90 ग्राम और उसके बाद हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 2.8 किलो पास्कल है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। तो इस सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 ग्राम वाटर ऐड कर देंगे, इसके बाद जो यहाँ पे इसका न्यू वेपर प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, उसके बाद हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना है किसका, वाटर का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, क्योंकि हम यहाँ पे आगे चल के क्या करेंगे रॉल्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आता है तो उसमें यहाँ पे यूज में आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मोल्स का फॉर्मूला, हमारे यहाँ पे क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 90 ग्राम गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 90 ग्राम। और जो यहाँ पे वाटर का मोलर मास होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है हमारे यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने है? 2 है, तो इसका मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो हमें सिंपल इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राम से ग्राम काट लेंगे एंड 18.5 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है 90 होता है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 5 मोल निकल के आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास, तो सॉल्यूट का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 30 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का जो है वो मोलर मास हमें यहाँ पे नहीं गिवन है क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बट यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि कौन सा सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लेके चलेंगे, इसको एम लेके चलेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या रखा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रखा था जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 2.8 किलो पास्कल है। इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट के लिए जो हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें यहाँ पे कितना गिवन है 2.8 किलो पास्कल गिवन है एंड इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पहले से गिवन है 2.8 किलो पास्कल एंड ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है पी नॉट ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी नॉट ए, तो ये हमारे यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए इक्वल टू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या है 30/m है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 30/m और हमें यहाँ पे क्या करना था डिवाइड करना था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस हमारे यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 5 मोल है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी 2.8 किलो पास्कल थी डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/m। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है और डिवाइड करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30+5m अपॉन हमारे यहाँ पे आ जाएगा m, m से m कट जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे राइट साइड वैल्यू इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30/30+5m इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव में था, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा 2.8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30+5m माइनस का 30/ हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30+5m इक्वल टू 2.8/ यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा 30 और ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा,
तो बचेगा हमारे यहाँ पे कितना 5m अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 5m इक्वल टू 2.8 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, राइट साइड को हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे सेकंड सिचुएशन की बात करूंगा जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 ग्राम वाटर को क्या करना है ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाय 18, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे कितना आएगा 6 आएगा, 18 6 जा 108। तो ये हमारे यहाँ पे 6 मोल निकल के आ गया, पहले हमारे यहाँ पे कितना था 5 मोल था। अब हमें सिंपल क्या करना है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे 5 है उसकी जगह हम यहाँ पे 6 कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेके चलना है वो हमें यहाँ पे 6 मोल लेके चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे शुरुआत से लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था जहां जहां 5 आ रहा है वहां हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे, और जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 2.9 किलो पास्कल लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6m डिवाइड बाय 30 प्लस 6m इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.8 की जगह 2.9 डिवाइड हमें यहाँ पे किससे करना है पी नॉट ए से, और इसको मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा इक्वेशन सेकंड मान लूंगा। अब हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करना है डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या है 2.9 डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या थी 2.8 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। अब हमें सिंपल दोनों की वैल्यू को डिवाइड करना है, ये हमारे यहाँ पे क्या था 6m, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 30 प्लस 6m से, एंड इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 5m, नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 प्लस 5m आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे पी नॉट ए से पी नॉट ए कट जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से होगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6m ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 5m आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 5m, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 30 प्लस 6m आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 30 प्लस 5m में से अगर मैं यहाँ पे 5 निकालता हूँ दोनों में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, एंड यहाँ पे कितना बचेगा m बचेगा। नीचे से हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 निकाल लेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे 2.9 को 2.8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ 29 को हमें यहाँ पे किससे करना है 28 से करना है, तो सबसे पहले 1 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे एक 0 से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी चला गया 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 16 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी चला गया 5 2 जा 10, एंड यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा, 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी चला गया 7 2 जा 14, एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 1.0357, मैं यहाँ पे लिख लूंगा दोनों को डिवाइड करके हमारे यहाँ पे कितना है 1.0357 आया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.0357 इक्वल टू, इसमें से हमें यहाँ पे 5 कॉमन लेना था, तो 5 हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 6 5 जा 30m हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 6 प्लस m बचेगा। अब हम यहाँ पे नीचे एज इट इज करेंगे, इसमें से हमें यहाँ पे 6 निकालना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30m हो जाएगा 6 5 जा 30m, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 6m डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5, तो इसको हम यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा m बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 30m से 30m कट गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.0357 को हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से करना है, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी चला गया, 5 5 25 28 हो जाएगा, 2 कैरी चला गया, 5 3 15 15 एंड 2 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, एंड 5 1 जा 5 कितना आ चुका है 5.1785 आ चुका है, और इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख लेंगे 5.18।
अब हमें यहाँ पे MCB मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 1.0357 m हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 6 प्लस m बचेगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो जो यहाँ पे 6 की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 5.18 माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल टू, एम की वैल्यू हमारे यहाँ पे राइट साइड जाएगी तो ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, एम माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, 1.0357 m आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना है 6.00, इसको हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 5.18 से, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गए 8, एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.82। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, नेगेटिव का 0.82 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1 माइनस 1.0357 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 0.82, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 0.0357 m आ जाएगा। माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, और m हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.82, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 0.0357 से। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दो जीरो बढ़ा के ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, चार डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ पे दोनों को रिमूव कर सकते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना था, 8200, इसको हमें किससे डिवाइड करना था, 357 से करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से कर लूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 14 का 4 1 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड 11 1 कैरी चला गया, 3 2 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 4 गए 6, 1 में से 1 गए 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से 0 उतार लेना है, इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 714 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 4 गए यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 में से 1 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4, 10 में से 7 गए यहाँ पे आ जाएगा 3। पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, 9 7 63 का 3 आ जाएगा, 6 कैरी चला गया, 9 5 45, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 51 आ जाएगा, 5 कैरी चला गया, 9 3 27 एंड 5 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22.9 आ जाएगा, और इसको अप्रोक्स में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोलर मास निकाल रहे थे सॉल्यूट का, यूनिट हमारी किस में आएगी, ग्राम पर मोल में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे पहले वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड वाले पार्ट की बात कर लूंगा, तो इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो सेकंड वाले में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, किसका, वाटर का निकालना है, या हम सॉल्वेंट का कह सकते हैं, क्योंकि वाटर हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू निकली है, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 5 × 23, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 + 5 × 23 इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.8, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से। अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 115 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 145 इक्वल टू 2.8 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 10 5 3 15 एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 10 5 9 45, और ये हमारे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.8 × 29, हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो इसको भी यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 29 को 2.8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 9 8 72 का 2 7 कैरी चला गया, 8 2 16 16 एंड 7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 2 18 का 8 1 कैरी गया, 2 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2 8 3 11 का 1, 5 2 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 81.2 निकल के आ गया। और इसको हमें यहाँ पे 23 से डिवाइड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे, 81.2 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 23 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11 में से 9 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 में से 6 का यहाँ पे बचेगा 1। पॉइंट लगाए तो हमें यहाँ पे पॉइंट उतारना पड़ेगा, एंड ऊपर की वैल्यू हम यहाँ पे नीचे उतार सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, और 23 को हमने यहाँ पे 5 से किया था, तो कितना आया था, 115 आया था, तो यहाँ पे 115 कर देंगे, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 से करने पे हमारे यहाँ पे कितना आया था, 69 आया था,
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.53 किलो पास्कल आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा एट 298 केल्विन, कितना 3.53 किलो पास्कल आ जाएगा। होप आपको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।